घर पे गेस्ट्स आ जाएं तो क्यों ना उनके लिए एक यूनिक स्नैक आइटम बना के उन्हें सरप्राइज दें। हेलो दोस्तों, मैं विदिशा, वेलकम टू किचन स्माइल्स। आज किचन स्माइल्स में हम बनाएंगे सिज़्ज़ुइन समोसा पॉकेट्स। ये बनाना बहुत आसान है, खाने के लिए बहुत ही मज़ेदार। दोस्तों, अगर आप किचन स्माइल्स अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे बनाते हैं ये यमी स्नैक आइटम सिज़्ज़ुइन समोसा पॉकेट्स। तो इसे बनाने के लिए हम एक मिक्सिंग बाउल में एक कप मैदा लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, फिर इसमें एक चम्मच ऑलिव ऑयल या फिर घी आप यूज़ कर सकते हो वो डालेंगे, और आधी चम्मच अजवाइन को क्रश करके वो डालेंगे, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे एक क्रम्बल टेक्सचर पाने तक। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी देके इसे हम गूनेंगे, एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। अब ये डो रेडी है, इससे हम ढक के 30 मिनट के लिए रख देंगे। अब इस डो के हम छोटे छोटे पोर्शंस बनाएंगे और हर एक पोर्शन से हम रोल करके एकदम पतला चपाती बनाएंगे। इसी तरह से दोस्तों, एकदम पतली होनी चाहिए। अब जैसे दिखाई हो, साइड्स हमें एजेस को काटनी है और रेक्टेंगुलर शेप्ड समोसा शीट्स बनानी है इसी तरह से। तो इसी तरह से मैं बाकी के समोसा शीट्स सारे काट के रेडी कर ली हूँ। अब हम इसमें स्टफिंग्स डालेंगे। तो स्टफिंग्स डालने के लिए एक शीट लेंगे, उसमें हम कुछ बनाए हुए नूडल्स वो डालेंगे, फिर चारों तरफ हम पानी लगाएंगे या फिर मैदे की घोल भी लगा सकते हैं, और फिर एक दूसरा शीट लेके अच्छे से चारों तरफ प्रेस करेंगे, सील कर देंगे एकदम से। तो हमारे समोसा पॉकेट्स रेडी हैं। इसी तरह से हम सारे समोसा पॉकेट्स सील करके स्टफिंग डाल के रेडी कर लेंगे। अब गैस को ऑन करके मीडियम फ्लेम पे गैस को रखेंगे और एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें तलने के लिए तेल डालेंगे। जब तेल हल्का गर्म हो तो समोसा पॉकेट डालेंगे, और दोस्तों याद रखिएगा, इन्हें हमें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करनी है, अच्छे नाइस ब्राउन कलर आने तक और क्रिस्प होने तक। दोनों साइड्स फ्राई करेंगे, हाई मत कीजिएगा नहीं तो अंदर कच्चा रह जाएगा और ऊपर ब्राउन हो जाएगी। तो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, दोनों तरफ बहुत ही क्रिस्पी बन गई है। इसी तरह से हम बाकी के समोसा पॉकेट्स भी फ्राई कर लेंगे और इन्हें सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। गरम गरम सिज़्ज़ुइन समोसा पॉकेट्स खाइए दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, घर पे आए मेहमानों के साथ। ऐसे क्विक इजी रेसिपीज़ के लिए दोस्तों किचन स्माइल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।